नमस्कार, मैं परविंदर कौर, द फैक्ट टाइम में आपका बहुत स्वागत है। आज डेरा सच्चा सौदा के बारे में आपको कुछ एक सच डेरा सच्चा सौदा का आपको दिखाया जाएगा। मैम, आपका नाम? पूनम। पूनम जी, आप डेरा सच्चा सौदा से कितने टाइम से जुड़ी हैं? पहले मेरे माता पिता लोग जुड़े हुए थे, उसके बाद जन्म से जुड़ी हुई हूँ मैं तो जी। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डेरा सच्चा सौदा में गुरुजी सत्संग फरमाया करते थे, तो आज गुरुजी समाज में नहीं है, तो जब आप सत्संग सुनते थे क्या प्रभाव उससे पड़ता था? वैसे मैं आपको एक ये बात पर टोकना चाहूंगी कि वो नहीं है, वो हमारे दिलों में है, हमारे लिए तो वो आज भी हैं, हाजिर नाजिर हैं, वो हर जगह पे हैं, और तब भी उनका वही प्रभाव था जो आज है हमारे लिए। इसीलिए हम लोग उनके अपने प्रवचन से मिलती थी, अपने जीने का ढंग सीखा है उन्होंने, उनसे ईमानदारी से, सच्चाई से, भ्रष्टाचार से मुक्त होकर अपने जीवन को कैसे हम जी सकते हैं, खासतौर पर महिलाओं के लिए के एक इंडिपेंडेंट बनो, गर्ल पावर को उन्होंने ये मैसेज दिया, तो उन्हीं की वजह से हम लोग आज अपने पैरों पर खड़े हैं, हमें अटूट विश्वास है, इसीलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। वैसे तो बुराई है, तभी उनको उन्होंने गलत झूठे रॉप वगैरह लगाकर जो कुछ भी किया हम सबको मालूम है। बुराई तो है कि थोड़ी बढ़ गई है आगे से, पर हमें यकीन है कि उनकी शिक्षाओं का अभी भी असर है हम लोगों पर, यंगस्टर पर खास तौर से, तो हम लोग उनको फॉलो करते हैं, हम तो अपना जो काम है वो कर रहे हैं, समाज भलाई के काम है जो वैसे ही कर रहे हैं, करते रहे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन से कुछ कार्य हमें बताएं प्लीज, जो समाज के भलाई के कार्य आप करते हैं? वैसे तो कोई ऐसा नहीं है, कोई भी शुरू से एंड तक, हाथ से पाँव तक समाज के लिए उन्होंने, जैसे कि शिक्षा के लिए बच्चों को भ्रूण हत्या के लिए उन्होंने मतलब हटाने के लिए प्रेरित किया, सफाई अभियान चलाए, मुफ्त में यहाँ पे सभी की का इलाज होता है, एमएससी जितना बड़ा हॉस्पिटल बनवाया है, सभी काम जो भी हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं, 104 मानव 111 और 113 शायद हैं मानवता भलाई के काम, पशु पक्षियों को खाना डालो, चोगा डालो, पानी रखो उनके लिए, सब कुछ जो उन्होंने किया हम लोग कर रहे हैं वैसे। और मैम, मैं जानना चाहूँगी, आप एक महिला हैं और आपने बोला कि हम एक यंगस्टर्स हैं, आप अच्छे कार्य उनके कहे अनुसार करते हैं, तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप एक महिला हैं तो क्या डेरा सच्चा सौदा में आप अपने आप को सुरक्षित समझती हैं? जी बिल्कुल सुरक्षित मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं, पहले माता पिता के साथ आते हैं, अब हमारे खुद के बच्चे हो गए हैं, उनको साथ लेकर आते हैं, हमें एक यहाँ पे अलग खुशी, अलग अलग तरह का अनुभव होता है, हम धर्म से रूहानियत से जुड़ते हैं, हमें तो यही महसूस होता है, यही हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने खुद ही बोला था अपने मुख वचनों से कि ये एक सिर्फ एक जरिया है उनको, मतलब काम वो वही कर रहे हैं कि समाज सुधार का, लोगों को बुराइयों से हटाकर अच्छाई की तरफ जोड़ने का, ये एक तरीका उन्होंने बताया कि जैसे यंगस्टर है मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो वो एक वे ऑफ मतलब प्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है। तो जितना आपने गुरुजी के बारे में बताया कि वो एक अच्छे नेक भलाई के कार्य लोगों से करवाते थे, बहुत सच्चाई के राह पर चलना आपको सिखाते थे, तो मैम मैं जानना चाहूंगी फिर जो गुरुजी पर एलिगेशंस लगाई उनकी क्या वजह रही, क्यों लगाएंगे? जो भी आया है आज तक, कोई भी रूहानी संत आए हैं जो धरती पे, तो किसको बख्शा है सरकारों ने, तो वही सब कुछ है, अब किसान आंदोलन चल रहा है, सब कुछ है, सरकारों ने अपना किया है, हम लोग इतने बड़े नहीं है कि इन सब चीज़ों का अनुमान लगा सकें, हमें तो अनुभव होता है कि वो ठीक हैं, सच के राह पे हैं, तो हम उनको फॉलो करते हैं। दैट्स तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? हम तो यही करते हैं कि जो भी है उनको बस जल्दी से जल्दी रिहा करें और झूठे आरोपों से, और हमारे बीच वो जल्दी से जल्दी आकर सत्संग करें बस।